शिक्षक के तबादले और स्कूल के मध्याह्न भोजन बंद होने पर पतरगामा मध्य विद्यालय के बच्चों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा। शिक्षक के तबादले से बच्चे काफी नाराज दिखे। प्रखंड विकास पदाधिकारी रुद्र प्रताप जी के आश्वासन पर जाम को हटाया गया। एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा से मैं रिपोर्टर रंजीत कुमार केडिया। हम किस लिए रोड जाम है? सर का नाम श्री आलोक हजारे। किस पद पे हैं? प्रधानाध्यापक। कौन से स्कूल के? मध्य विद्यालय पतरगामा वाला। आज जो सड़क जाम थी बच्चों के द्वारा, उस पे आपका क्या कहना है? ये कहना है कि हम लोग जब विद्यालय आए 7:45 बजे, तो हम लोगों ने देखा कि बच्चियां जो है अपनी ताला लगाई हुई है। हम लोग का जो ताला था वो उसी में जो है अपना ताला लगा के गेट बंद। हम लोगों ने बच्चियों से बोला कि गेट का चाबी दो। बच्चियाँ बोली कि नहीं सर, हम लोग अपनी डिमांड के लिए जो है हम लोग यहाँ आड़े हुए हैं, हम गेट का चाबी आपको नहीं दे सकते। हम लोग अपनी मांग को मनाने के लिए प्रशासन के लिए हम लोग ये। किन चार शिक्षक का तबादला यहाँ से कहाँ किया गया? हमारे यहाँ चार शिक्षकों का जो तबादला हुआ है, उनमें से पहला नंबर श्री संजय कुमार मिश्र, उनका तबादला हुआ है। दूसरे नंबर में श्री बंकिम चंद्र सिंह। तीसरे नंबर में श्री कृष्णदेव कुमार। चौथे नंबर में आपका श्री संजीव सुमन। टोटल कितने शिक्षक थे और अभी कितने शिक्षक रह गए? टोटल हम लोग 15 टीचर थे, उसमें से चार टीचर चले गए, अभी वर्तमान में 11 टीचर। छात्रों की कुल संख्या, छात्र एवं छात्राओं? इनरोलमेंट हमारे यहाँ लगभग 800 है, 788 लगभग 800 ही माना जाए। और ये मिड डे मील कब से बंद है? मिड डे मील 4 तारीख से बंद है। चालू होने की कोई संभावना? आज चावल आ गई है छुट्टी के बाद, कल परसों छुट्टी है, उसके बाद। बरगादी हरियारी पंचायत के मुखिया मैरी हाजदा ने दशरथ मिर्जा पर सरकारी कार में बाधा डालने के आरोप में थाने में उनके खिलाफ आवेदन दिया है। बताया कि गांव में पीसीसी कार्य का निर्माण हो रहा था, जिसमें बाधा डालते हुए दशरथ मिर्जा ने जेसीबी चालक से मारपीट। दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता लाठीबाड़ी पंचायत अंतर्गत रघुनाथपुर ग्रीन पार्क मैदान में आज फाइनल मैच में सकरी बनाम हरियारी के बीच खेला गया, जिसमें हरियारी विजय रहा। मुखिया सीमोन मरांडी द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। बतडीहा दुर्गा मंदिर के सामने सड़क हुआ जर्जर, लोग परेशान। मोहल्लेवासी घर के सामने जल जमाव को लेकर परेशान है। आने वाले बकरीद पर्व को लेकर बसंतराय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार आजाद ने की। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड क्षेत्र के समाज सेवी व बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित थे। लोगों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में किसी भी पर्व में सभी धर्मों के लोगों का सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की पूर्व से चली आ रही परंपरा वाकई सराहनीय है, और इसी तरह पूर्व से चली आ रही इसी परंपरा को आगे चलाने के लिए लोगों से की गई अपील। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अभी तक पूरे भारत में 1600 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां बहुत ही कम कीमत में उत्तम गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। गोड्डा के जन औषधि केंद्र का पता है डॉक्टर नरेंद्र कुमार की गली कविता भवन के बगल में, राजेंद्र नगर गोड्डा।